दोस्तों शरद पवार कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये पूरे इंडिया के जाने माने पॉलिटिशियन हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इनके कार कलेक्शन पर, तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। नंबर एक पर है टोयोटा लैंड क्रूजर। यह कार टोयोटा की सबसे पावरफुल कार है। इस कार में 3.5 लीटर V8 डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन माना जाता है। इस कार में 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है और यह 0 to 100 की रफ्तार मात्र 6.5 सेकंड में कवर कर लेती है। इस कार की कीमत 1,30,00,000 रुपए है। लैंड क्रूजर ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर कार मानी जाती है। नंबर दो पर है एम्बेसडर। शायद ऐसा कोई पॉलिटिशियन होगा पुराने टाइम में जिसके पास एम्बेसडर न हो। इस कार को हिंदुस्तान मोटर कंपनी बनाती थी। इस कार में 1 लीटर MPFI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। उस टाइम पर इस कार की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर थी और 0 to 100 की रफ्तार मात्र 16.5 सेकंड में कवर कर लेती है। इस कार की कीमत 4,00,000 रुपए थी उस टाइम पर। इनकी आखिरी कार है लेक्सस LX570। यह लेक्सस की लग्जरी SUV है। इस कार में 4.5 लीटर V8 डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल कार है। इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है और 0 to 100 की रफ्तार मात्र 7.2 सेकंड में कवर कर लेती है। अगर आप इस कार को इंडियन मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 2,50,00,000 रुपए देने होंगे। यह कार काफ़ी रेयर मानी जाती है इंडिया में। दोस्तों यह था शरद पवार कार कलेक्शन, आपको कैसा लगा? अगर आपने अभी तक CM उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कार कलेक्शन नहीं देखा तो वह भी इन दोनों वीडियोज़ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।